अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फिजिक्स क्लास। आज हम जो अपना टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी शो हो रही है, ठीक है, जिसके एक रॉड है जिसके दोनों एंड्स पे दो स्फेरिकल बॉडीज अटैच है। ये बॉडी ए है दैट इज लाइटर, और जो ये हैवियर बॉडी है बॉडी बी, ठीक है। तो ये जो फुल ऑन ये जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है इसका जो मास वो लाए कर रहा है वो कहाँ लाए कर रहा है? दैट पॉइंट ओ, ठीक है। जो पॉइंट ओ है दिस इज द सेंटर ऑफ द मास, यानी कि इस पूरी बॉडी का जो होल मास वो लाए कर रहा है वो किस पॉइंट पे लाए कर रहा है? वो इस पॉइंट पे लाए कर रहा है, और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ द मास। अच्छा, यहाँ पर इसका मास क्यों लाया कर रहा है? क्योंकि दो अन इक्वल बॉडीज हैं, ठीक है, यानी ये दो अन इक्वल मासेज हैं, तो इनका जो सेंटर ऑफ द मास फाइंड आउट करना है, यानी कि जहाँ पर इसका जो टोटल मास लाया कर रहा है वो कौन सा पॉइंट है? वो ये वाला पॉइंट, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व दैट द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम मूव्स एज इफ इट्स एंटायर मास इज कन्फाइंड एट दैट पॉइंट। तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ द मास होता है ऐसे अनइक्वल बॉडीज का, उसका जो एंटायर मास होता है वो एक पॉइंट पे कन्फाइंड होता है, और जब हम इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स बेसिकली क्या करती है? किसी भी बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है या उसमें चेंज प्रोड्यूस करती है। तो अगर हम इस बॉडी पे यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों प्रोड्यूस नहीं होगा? और ये बॉडी जो ऐसी है क्योंकि ये सेंटर ऑफ द मास है, और ये बॉडी क्या करेगी जब हम इस पॉइंट पे, यानी ये जो सेंटर ऑफ द मास वाला पॉइंट है इस पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये जो बॉडी है ये उस फोर्स की डायरेक्शन में ही मूव करेगी विदाउट एनी रोटेशन। क्यों रोटेशन क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रही? क्योंकि ये पॉइंट जो है वो क्या है? सेंटर ऑफ द मास, यानी कि जो बॉडी है जो अनइक्वल मासेस की वो उसका जो मास है टोटल वो इस पॉइंट पे लाए करता है। यहाँ पर हम एक बॉडी जो हम कंसीडर कर रहे हैं इसमें ही फर्दर हम इसको डिस्कस करते हैं कि अगर हम यहाँ पर ये देखें, अब ये बॉडी है, ठीक है, ऑफ टू अनइक्वल मासेस। तो ये बॉडी जब हमने फोर्स को इस पॉइंट पे, ठीक है, ये जो सेंटर ऑफ द मास वाला पॉइंट है यहाँ पर जब हमने ये फोर्स के आप डायरेक्शन देख रहे हैं, जब हमने इस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया तो ये बॉडी इसी ही डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है, और इसमें कोई भी रोटेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन इन सेकंड केस अगर हम ऐसा करते हैं, फोर्स को हम जो लाइटर बॉडी है, ठीक है, जो लाइट मास जिसका लाइटर पार्टिकल है बॉडी का ये वाला, जब हम फोर्स को इसके नियर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? सिस्टम जो है उसमें अब रोटेशन प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि यानी जो पिवट पॉइंट था ना, जो मेन जो पॉइंट, जैसे हम कहते हैं जैसे हमने डोर में हिंज का पढ़ा था, ठीक है, अगर मैं उस हिंज पे जाके फोर्स अप्लाई करती हूँ तो क्या होगा? वो रोटेट नहीं होगा, मतलब डोर ओपन या क्लोज नहीं होगा। लेकिन मैं अगर उसके हैंडल से डोर को ओपन क्लोज करूंगी तो वो इजीली फोर्स उसमें क्या हो रही है? रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, डोर ओपन होगा और क्लोज होगा। लेकिन सेम केस इसी के साथ है कि जब हम इस सेंटर पॉइंट पे अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो टॉर्क में रोटेशन प्रोड्यूस, यानी कि बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन अगर हम इस सेंटर ऑफ द मास यानी सेंटर पॉइंट से फर्दर अगर हम लाइटर पार्टिकल की तरफ मूव कर गए, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ अब बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगी? इधर यहाँ पे मूवमेंट आर्म क्रिएट हो गई है, ठीक है, सेंटर से यहाँ पे देखें मूवमेंट आर्म क्रिएट हो गई है एक तरह की। तो अब क्या हो रहा है हमारे पास? अब पार्टिकल जो है वो बॉडी का जो हमारे पास सिस्टम है पूरा वो क्या होगा? रोटेट होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इस सेंटर ऑफ मास से भी हम गए थे लाइटर पार्टिकल की तरफ, अब मैं अगर आ जाती हूँ इस हैवियर पार्टिकल की तरफ इस डायग्राम में, तो अब क्या हो रहा है? इसमें भी क्या हो रहा है? सिस्टम मूव कर रहा है और रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स कॉज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। तो सेंटर ऑफ द मास में क्या होता है कि हम जब भी फोर्स जो सी है वो अप्लाई करते हैं एट दैट पॉइंट जहाँ पे बॉडी का मास लाए करता है, यानी जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, तो सिस्टम जो है मूव करेगा विदाउट रोटेशन, यानी उसमें रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, वो
जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, और उसमें कोई भी रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हमने ग्रेविटी के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में स्टडी किया था, तो अब हम स्टडी करेंगे अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास क्या होता है, कोई भी बॉडी जो है वो एक लार्ज नंबर ऑफ द पार्टिकल से कंपोज होती है, ठीक है। तो अर्थ बेसिकली क्या कर रही है कि जितनी भी बॉडीज हैं उनको एक पुल फोर्स के थ्रू, ठीक है, पुलिंग फोर्स है उसके थ्रू वो टूवर्ड्स द सेंटर अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। जो वो पुलिंग फोर्स है वो बेसिकली क्या है, दैट इज एक्ट जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं कि दैट इज इक्वल टू दिस वेट, ठीक है। तो जो पुल फोर्स जो है वो जो अर्थ एग्जर्ट कर रही है ऑन द ईच पार्टिकल ऑफ दैट बॉडीज, वो बेसिकली क्या है, वो है इज इक्वल टू दैट वेट ऑफ दैट बॉडी। द फोर्स दैट एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ द बॉडी आर ऑलमोस्ट पैरेलल। अच्छा, जितने भी पार्टिकल पर जो फोर्सेज एक्ट हो रही हैं, ठीक है, वो फोर्सेस क्या हैं, वो पैरेलल फोर्सेस हैं। और उन सारी फोर्सेस को अगर हम सम अप करें, उनसे एक रिजल्टेंट फोर्स निकालें, तो वो फोर्स क्या होती है, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। यानी एक बॉडी है उसके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उन सब पार्टिकल्स पे क्या हो रहा है, फोर्स एग्जर्ट कर रही है, पुलिंग फोर्स अर्थ एग्जर्ट कर रही है। अब वो जो फोर्स उन पे एग्जर्ट हो रही है वो क्या है, पैरेलल है, ठीक है, वो पैरेलल फोर्सेस हैं। और जब हम फोर्सेस को सम ऑफ करके एक रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, वो क्या हो जाता है, दैट इज द एंटायर वेट ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। अब वो जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है वो कहाँ पर है, वो अट्रैक्ट हो रही है वर्टिकली टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। वो वर्टिकल फोर्सेस हैं, तो वो उनकी डायरेक्शन किस तरफ है, दे आर टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, और वो क्या है, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। तो वो क्या है, वो जो पॉइंट है जिस पे फोर्स एक्ट हो रही है, ठीक है, वो क्या है, दैट इज द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। सो अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। So, it is very useful to know the location of the center of gravity of body in a problem dealing with equilibrium. Yani, अब हम further study करेंगे equilibrium के बारे में। तो equilibrium की condition वो होती है जिसमें हमारे पास क्या आता है कि हम balance को create करते हैं। So, वो जो center of the gravity का point है उसको हमें उसकी location यानी उसके point का पता होना चाहिए in order to form equilibrium यानी balance create करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास कुछ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स ही हैं यानी कि जिनकी प्रॉपर एक ज्योमेट्री है, शेप है, फॉर्म है, ठीक है, मेजरेबल है। तो इनमें जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो फाइंड आउट करना इजी है, यानी उस पॉइंट को जहाँ पे ग्रेविटी एक्ट हो रही है उस पॉइंट को फाइंड आउट करना आसान है। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे पास एक रॉड है। अब इस रॉड में हम अपना जो सेंटर पॉइंट है उसको फाइंड आउट करना आसान है, ठीक है। तो ये जो मोस्ट जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, इसका जहाँ पे, या फॉर एग्जांपल अगर ये 100 सेंटीमीटर्स में ये रॉड है तो उसका क्या होगा, 50 पे इसका क्या होगा, बैलेंस पॉइंट होगा, यानी ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, सेंटर पॉइंट होगा जहाँ पे हमारे पास ग्रेविटी एक्ट कर रही है। इसी तरह से फर्दर हमारे पास कुछ और सिमेट्रिकल शेप्स हैं। इसमें यहाँ पर एक हमारे पास आ रहा है जी फिगर नंबर 4.22A है, डायगनल्स हैं, ठीक है। डायगनल्स क्या होते हैं, यहाँ पर जो इस कॉर्नर से हम जो इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो जो ऑपोजिट कॉर्नर्स हैं इनको जब करते हैं, ठीक है, और इसका जो सेंटर पॉइंट हमारे पास होता है, ये जो ये क्या आ रहा है, दैट इज जी, यानी यहाँ पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है। इसी तरह से फर्दर हमारे पास एक ये शेप है, सर्कल की है, स्फीयर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी सेंटर ऑफ द ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रही है, अगर हम इसके डायगनल इसके हम सेंटर यानी के यहाँ पर ड्रा करते हैं, ठीक है, एक्सिस बना के, तो यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है ये यहाँ पर जी एक्ट कर रही है। इसी तरह से इसकी जी यहाँ पर एक्ट कर रही है। सेम हम इसके डायगनल ड्रा कर लेंगे फॉर राइट एंगल स्क्वायर स्फीयर। अब यहाँ पर एक हमारे पास है एक और शेप है, ठीक है, इसमें भी इसी तरह से हम इंटरस मीडियंस ले लेते हैं, ठीक है, मीडियंस हम इसके फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसकी जो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो किस पे, इस पॉइंट पे एक्ट कर रही है। एंड इसी तरह से यहाँ पे एक रिंग है, ये एक रिंग है, और इसका जो हमारे पास सेंटर ऑफ द ग्रेविटी है
यहाँ पर इस पॉइंट पे एक्ट कर रही है। इसी तरह से एक और हमारे पास यहाँ पर है सॉलिड होलो सिलेंडर, ठीक है, ये होलो सिलेंडर है। और होलो सिलेंडर कैसे है कि इसमें हमारे पास यहाँ पर दो सर्कुलर शेप्स हैं। हमने क्या किया इसके बाइसेक्शन की पर यहाँ पर जो इसकी मिडिल पॉइंट आ रहा है ऑफ दैट एक्सिस, ये जो एक्सिस इस सेंटर को इस सेंटर के साथ ज्वाइन कर रही है, ठीक है, यानी एक सेंटर ये है एक सेंटर ये है, तो ये जो होलो स्फीयर में ये एक्सिस इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, इसका जो सेंटर पॉइंट आएगा वो मिडिल पॉइंट ऑन दैट एक्सिस, तो ये पॉइंट कौन सा है जहाँ पर हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो हम इनका सेंटर पॉइंट जब फाइंड आउट कर लेंगे तो उस पर हमारे सेंटर ऑफ द ग्रेविटी फॉर द सिमेट्रिकल शेप फाइंड करना ईजी होता है। अब फर्दर हम डिस्कस करेंगे द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर शेप द थिन लेमिना, यानी ऐसी बॉडीज जिनकी सिमेट्री नहीं होती, जिनकी ज्योमेट्रिकल शेप्स नहीं होती, तो उनको हम सेंटर ऑफ द ग्रेविटी उनकी कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है, तो जो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी है इरेगुलर शेप की उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्लम लाइन। प्लम लाइन क्या होता है, एक हमारे पास मेटल का बॉब होता है, यहाँ पे फिगर नंबर ए में आपको नजर आ रहा है मेटेलिक बॉब है जिसको हम एक स्ट्रिंग के साथ अटैच करके एक नेल के साथ, ठीक है, एक एक पॉइंट पे हम एक वॉल में एक जो नेल है उसके साथ हम इसको अटैच कर देंगे और अदर एंड पे हम क्या एक मेटेलिक बॉब को अटैच कर देंगे, ठीक है, इसको हम इसके साथ सस्पेंड कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ जाती है जी प्लम लाइन। तो प्लम लाइन क्या करती है, ये व्हेन बॉब इज सस्पेंड फ्रीली बाय द स्ट्रिंग इट रेस्ट अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन ड्यू टू इट्स वेट। तो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी में क्या आ रहा है कि जो पार्टिकल ऑफ द बॉडीज हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वर्टिकली एक्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी की तरफ, ठीक है, तो इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, वर्टिकली है और डाउनवर्ड है, ठीक है, तो इनका क्या आ जाएगा हमारे पास इसका जो इस पर हमारे पास इसका प्लम लाइन का जो वेट है वो वर्टिकली सस्पेंडेड है और सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, तो इसकी जो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी है वो क्या आ जाएगी, वो इसका जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है उसके एग्जैक्टली बिलो, यानी कि बिल्कुल इसके नीचे आ जाएगी। तो इसको हम यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द क्या उसको कहते हैं सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, ठीक है, तो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर शेप को हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, अब यहाँ पर एक हमने कार्डबोर्ड ले लिया, अब इसकी इरेगुलर शेप है लाइक इसकी कोई परफेक्ट शेप नहीं है, ठीक है, इसके एजेस हैं ऐसे जिनकी कोई डायमेंशन और कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस कार्डबोर्ड में थ्री होल्स करेंगे, ठीक है, एक होल हमने पॉइंट ए पे किया, एक बी पे कर दिया और एक सी पे कर दिया। अब हाँ, हमने क्या किया कि जो जिस जो प्लम लाइन थी, ठीक है, उसी प्लम लाइन पे हमने जो हमारे पास एक होल को हमने ए का नाम दिया, एक को बी का और एक को सी का, तो हमने फर्स्ट हमने क्या करना है, जो हमारे पास फर्स्ट होल है उसको हमने इस नेल में इंसर्ट करना है, ठीक है। अब हमने प्लम लाइन की हेल्प से जो के जो हमने सस्पेंड की थी, ठीक है, उसकी मदद से हमने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है पेंसिल से होना कार्डबोर्ड। अब इसी तरह से इस होल को हमने निकाल के कार्डबोर्ड के सेकंड होल में हमने नेल को इंसर्ट करना है, सेम हम काम करेंगे वैसे ही लाइन वर्टिकली डाउनवर्ड जो हमारे पास प्लम लाइन की डायरेक्शन है उसमें हम लाइन ड्रा करेंगे, सेकंड हम सी होल के लिए भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो ये सारी लाइंस जो सी हैं कार्डबोर्ड पे एक पॉइंट में क्या करेंगे इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, जो ये जो इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट है जो उसको हम नाम दे देंगे जी, ठीक है, तो ये जी बेसिकली क्या है जहाँ पर ये तीनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये है द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, यानी ये जितने भी कार्डबोर्ड की जो कार्डबोर्ड है रेगुलर शेप है तो इसकी ग्रेविटी जो है वो कहाँ पर फोर्स एग्जर्ट हो रही है, वो हो रही है एट दैट पॉइंट, ये जो जी पॉइंट है, ठीक है, द कॉमन पॉइंट जो है यानी जिस पे ये सारी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं यानी वो सब एक जगह पे कंसाइड हो रही हैं, तो वो कौन सा है कॉमन पॉइंट जी है, ठीक है, वो क्या है सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द कार्डबोर्ड। तो इस तरह से प्लम लाइन की हेल्प से हम इरेगुलर शेप को सेंटर ऑफ द जी यानी कि जी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट कपल। कपल क्या होता है, इट इज अबाउट द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन सम बॉडी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देर इज अ ड्राइवर
दैट टर्न्स अ व्हीकल, ठीक है। तो जब कोई भी ड्राइवर वो व्हीकल को टर्न करता है तो वो क्या करता है, स्टेयरिंग को मूव करता है। वो क्या कर रहा है कि वो स्टेयरिंग पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन उस फोर्स की एक डायरेक्शन है, लाइक ठीक है, वो कपल प्रोड्यूस हो रहा है कैसे, देर इज अ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द स्टेयरिंग व्हील एज शोन इन फिगर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यानी कि ये फोर्स जो एक्ट हो रही है स्टेयरिंग पे, इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, ठीक है, दो साइड पे देखें, एक हमारे पास एक हैंडल में हाथ यहाँ पर होता है और एक यहाँ पर होता है, तो एक जो हम पुश फोर्स लगा रहे हैं अपवर्ड और एक हम लगा रहे हैं पुल फोर्स दैट इज डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये इस तरह से सर्कुलर में सर्कुलर मोशन हो रही है यहाँ पे, और ये क्या आ रहा है, कपल प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन कपल कैसे प्रोड्यूस हो रहा है कि हमारे पास जो दो फोर्सेस हैं, एक पुश फोर्स है एक पुल फोर्स है, एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, यानी ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, पर इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है, वो है सेम। ये है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है, पैरेलल फोर्सेस हैं बट दे आर सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, बट दे आर नॉट अलोंग द सेम लाइन, ये सेम लाइन पे एक्ट नहीं हो रही, ठीक है। तो इन केस जब हमारे पास ऐसी फोर्स एक्ट होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, कपल प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हम कपल को डिफाइन कर लेते हैं, कपल इज फॉर्म बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, यानी कि पैरेलल फोर्सेस हैं बट दे आर अनलाइक, मीन दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, यानी उनका मैग्नीट्यूड सेम है बट दे आर नॉट अलोंग द सेम लाइन, सो कपल इज प्रोड्यूस्ड। फर्दर हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, डबल आर्म स्पैनर, हम लोग जो कार का व्हील होता है उसको चेंज करने के लिए स्पैनर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये डबल आर्म्ड होता है कैसे, स्पैनर में हमारे पास दो तरह डबल आर्म स्पैनर है, ठीक है, यानी इसकी दो आर्म एक ही है और एक ये वाली आर्म है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पर एक पुश फोर्स लगानी है, तो यहाँ पे पॉइंट ए पे, ठीक है, यहाँ पे एक पुश फोर्स है, यहाँ पे बी पे एक पुल फोर्स एक्ट हो रही है, सही हो गया। तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कपल, जब हम लोग पॉइंट ए पे, अच्छा यहाँ पर एक हमारे पास क्या आ रहा है, सेंटर पॉइंट ओ आ रहा है, ठीक है, जिसके साथ ये एक्सिस के साथ ज्वाइन है, ठीक है, ये एक्सिस क्या कर रही है, नट को लूज या टाइट करने के लिए स्पैनर में यूज होती है। तो जब हम यहाँ पर एक फोर्स एक्ट करेंगे दैट इज अ पुश फोर्स, तो ये क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और बी पे किस में है, डाउनवर्ड में, ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी, लेकिन क्या हो रहा है, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, कपल प्रोड्यूस हो रहा है, टार्क, ठीक है, टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, टार्क यानी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, और कपल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। तो अब क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं द टोटल टार्क ऑफ दैट कपल, ठीक है, जो कपल हमारे पास यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है उसका हम टोटल टार्क फाइंड आउट कर लेंगे। उसके लिए हमारे पास दो टार्क प्रोड्यूस हो रहे हैं, अच्छा जी, यहाँ से इस सेंटर से यहाँ तक वाला जो है इसको हम ऐड कर देंगे, इस सेंटर पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक, ठीक है, यानी ओ से ए तक और ओ से बी तक हम दोनों टार्क को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स एक्ट हो रही है वो अपवर्ड फोर्स एक्ट हो रही है, और इसका जो मोमेंट आर्म है वो है ओ ए, ठीक है, फर्स्ट हमारे पास टार्क में, तो हम लिख देते हैं फोर्स इंटू ओ ए। फोर्स हमारे पास क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, यहाँ पे हमारे पास फोर्स एक्ट हो रही है इन आर टार्क, टार्क में हमने जैसे फाइंड किया था, और ओ ए हमारे पास आ जाता है द डिस्टेंस फ्रॉम दैट एक्सिस, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स से जो मूवमेंट आर्म का डिस्टेंस है वो है ओ ए, इसका हम प्रोडक्ट ले लेंगे, फिर हम उसमें ऐड करेंगे आर सेकेंड टार्क, सेकेंड टार्क क्या आ रहा है, फोर्स जो कि हमारे पास यहाँ पे फोर्स डाउनवर्ड है, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद आर मूवमेंट आर्म, ये हमारे पास मूवमेंट आर्म आ रहा है ओ बी। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे इसे हम टोटल टार्क फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्स हमारे पास कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और ओ ए प्लस ओ बी कर देंगे। अगर मैं ओ ए को यहाँ पे ओ बी में ऐड करती हूँ तो हमारे पास क्या पूरी लाइन ऑफ एक्शन, ये मूवमेंट आर्म क्या बन जाती है सारी, ये बन जाएगी ए बी, ठीक है, ए से बी तक, ओ ए को ओ बी में ऐड करूँ हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बी, ठीक है, ये पूरी हमारे पास एक्सिस आ जाएगी ऐसे, तो ये हमारे पास आ जाता है टार्क ऑफ द कपल। तो कपल का टार्क क्या आ गया, फोर्स इंटू ए बी,
सो क्वेश्चन नंबर 4.8 हमें क्या प्रोड्यूस कर रहा है हमारे पास यहाँ पे, द कपल ऑफ द फोर्सेस एफ एंड एफ आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ए बी। हमारे पास टॉर्क आ रहा है कपल का, और हम फोर्सेस जो है ना, ये वाली जो दो फोर्सेस हैं ठीक है, उनको किस डिस्टेंस से सेपरेट कर रहे हैं, ए बी हमारे पास डिस्टेंस आ गया ठीक है। एंड द टॉर्क ऑफ द कपल इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द टू फोर्सेस एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो हमारे पास टॉर्क कपल का क्या आ रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ दैट टू फोर्सेस ठीक है, यानी दो फोर्सेस का प्रोडक्ट एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो ये हमारे पास आ जाता है स्पैनर का टोटल टॉर्क ऑफ दैट कपल ठीक है। तो इस तरह से हम दो टॉर्क को सम अप करके कपल को फाइंड आउट करेंगे, सही हो गया। तो यहाँ पे हमने आज ये कपल वाला टॉपिक कवर किया। इसके अलावा और भी बहुत सारी हमारी डेली लाइफ में ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें जो है कपल जो है वो हेल्पफुल है, और उसको और उसकी बहुत सारी डेली एप्लीकेशंस और एग्जांपल्स प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है साइक्लिस्ट की, तो साइक्लिस्ट क्या करता है, पुशेस द पैडल ऑफ द साइकिल। तो वो पैडल को मूव पुश कर रहा है, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है ठीक है। ये देखें यहाँ पर हमारे पास एक सेंटर यहाँ पे एक्सिस एक्सल में, यहाँ पर हमारे पास चेन है ठीक है, और ये सेंटर एक्सल है, इसमें हमारे पास यहाँ पर पैडल्स अटैच होते हैं इसके सेंटर पॉइंट के साथ। तो यहाँ पर एक फोर्स हम देखें इस डायरेक्शन में लग रही है, और एक एक जो हमारे पास है फोर्स वो बैकवर्ड में, देखें आगे की तरफ और एक यूं पीछे की तरफ ठीक है, पुश एंड पुल फोर्स है। तो ये फोर्सेस जो हैं क्या हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं, लेकिन क्या होती हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर साइकिल में भी क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कपल प्रोड्यूस हो रहा है थ्रू आर पैडल्स। अ साइक्लिस्ट पुशेस द पैडल ऑफ द बाइसाइकिल, दिस फॉर्म अ कपल दैट एक्ट्स ऑन पैडल्स एंड द पैडल कॉज द दैट व्हील टू टर्न मेकिंग द रेयर व्हील ऑफ द बाइसाइकिल टू रोटेट। तो इस तरह से हमारे पास चेन जो है वो मूव करेगा इनके साथ, जिसकी वजह से हमारे पास जो व्हील्स होते हैं थ्रू आर पैडल मूव करते हैं। तो ये भी हमारे पास एक डेली लाइफ एग्जाम्पल है फ्रॉम कपल।